हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कल के लेक्चर में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, यह जो हमारा स्थापना था 1854 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन सा क्षेत्र में क्या क्या व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था, ठीक है। तो हालांकि ब्रिटिशों ने जो भी कार्य किया वह सकारात्मक रूप से कार्य किया, परंतु इससे छत्तीसगढ़ के जनता में एक प्रकार की जागरूकता आई, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। यह सब जो जागरूकता बाद में अंग्रेजों को भारी पड़ा, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना के पश्चात लोगों में विभिन्न प्रकार के आक्रोश की भावना को देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपको, जैसे कि हमने पढ़ा था जब हम लोग काकती वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रिटिशों का जो स्थापना तो उस समय हो चुका था, तो वहाँ पर जो भी जनजाति समुदाय थे, जो भी आदिवासी समुदाय थे, वे ब्रिटिशों के नियम कायदे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। असंतुष्टि उन्हें हमेशा ही मिला करती थी, ठीक है। जैसे कि वहाँ के आरक्षित वनों में आदिवासियों को वनों की कटाई करना या उसके उत्पाद का इस्तेमाल करने के लिए भी मना कर दिया गया था, ठीक है। बिगारी प्रथा भी वहाँ पर मौजूद थी, जिसके कारण आदिवासी जनताओं ने वहाँ ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए, ठीक है। इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जिस तरह से हम लोग भारतीय इतिहास की बात करें 1857 में, ठीक है, जिसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मेरठ में एक सैनिक छावनी में मंगल पांडे के द्वारा, है ना, यहाँ पर कारतूस को छीलने के लिए बोला गया था, परंतु जो कारतूस था वह सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ था, जिसके कारण जो भी सैनिक थे वहाँ पर, है ना, उनमें से आपका मंगल पांडे जी भी थे, तो उन्होंने उस कारतूस को मुंह से छीलने के लिए मना कर दिया गया, ठीक है, और विद्रोह की भावना वहीं से उपजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि विद्रोह की जो भावना यहाँ पर जो उठी वह सिर्फ मंगल पांडे के कारण ही नहीं उठी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो देखने को मिलेगा, यह अनवरत समय से चलता आ रहा है, भारतीयों के मन में आक्रोश की भावना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज यहाँ पर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में एक सफल हो पाए थे, ठीक है। तो इससे हम लोग प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों के लिए एक बेहद ही असरकारक कदम था, जिसके कारण वे अपना सत्ता भारतीय राज्य में स्थापित कर पाए थे, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो इस समय से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की भावना जल रही थी, इसके बहुत सारे कारण थे, ठीक है। ज़्यादा डिप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि यह टॉपिक आपके भारतीय इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा और हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि यह आक्रोश की भावना पहले से ही लोगों के मन में भड़कती जा रही थी। उसका परिणाम कब हुआ और वह दिखाई कब दिया, तो 1857 में मंगल पांडे की घटना के दौरान, और यह जो घटना जो हुई तो इसके कारण पूरे भारतवर्ष में तो नहीं बल्कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह वारदात अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी विद्रोह हो रहा था वह आपको देखने को मिली थी, ठीक है। हालांकि बोला जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक प्रकार की इस प्रकार की विद्रोह था जिससे अंग्रेज भी डर गए थे, ठीक है, मतलब बहुत ही बृहद रूप से यहाँ पर आपको इसका स्वरूप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे जगह यहाँ पर देखने को मिलेगा, हालांकि यह विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यह विद्रोह कुछ क्षेत्रों में ही
ब्रिटिशों के विरुद्ध किया गया था, इसलिए यह विद्रोह आपको सफल देखने को नहीं मिल पाएगा। परंतु आप यह कह सकते हैं कि यह ब्रिटिशों के खिलाफ किया गया प्रथम प्रयास था, जिससे ब्रिटिश लोग भी डर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में जो विद्रोह की घटना हुई उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता ना रहा, अर्थात इसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ को देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के जनता अंग्रेज़ों से बहुत ही व्याकुल थे, बहुत ही परेशान थे, उनके नीतियों से बहुत ही खपा थे, किसी भी प्रकार के संतुष्टि वाला माहौल देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सोहागपुर वाली एक संघर्ष की घटना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका जो नेतृत्व करता था उसका नाम था रंगाजी बापू। ठीक है, हालांकि यह जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध ही हुआ था, परंतु अंग्रेजों की सेना ने यहाँ पर पहुँच चुके थे और यह जो संघर्ष जो हो रहा था, यह जो विद्रोह जो हो रहा था उसको यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया, और यह विद्रोह कुछ सीमित क्षेत्र में ही हो रहा था, इसी कारण यह विद्रोह व्यापक रूप नहीं ले पाया। इसके अंतर्गत लोगों की भागीदारी का बहुत ही न के बराबर हो पाई। ठीक है, और इसका यदि कालक्रम देखा जाए तो ये लगभग आपका 1857 में ही यह घटना हुई थी। ठीक है, तो यह आपका कुछ शुरुआती घटना आप दे सकते हैं। अब यदि हम लोग छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो वह कौन सा घटना है, तो वह कोई और नहीं बल्कि शहीद वीर नारायण सिंह जी की एक घटना थी। अब उसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर में वह घटना क्या थी। ठीक है, तो यदि हम लोग वीर नारायण सिंह की बात करें, ठीक है, इसके एक घटना को जानने से पहले हम इसकी कुछ सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह क्या थे, यह सोना खान जमींदारी के जमींदार थे। ठीक है, इनके पिता का नाम हुआ करता था रामा राय, और ये क्वेश्चन और ये जो किस जनजाति से बिलोंग करते थे, तो यह आपका बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह की और बात करें तो इनके जो दादाजी थे उनका नाम था राम राजे, इनके दादाजी का नाम था, और इनके चाचा का नाम महाराज साय था, जो कि देवरी के जमींदार हुआ करते थे, देवरी के जमींदार। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। और यदि वीर नारायण सिंह के समकालीन की बात करें, कौन सा ऐसा वीर सपूत था जो इसके समकालीन थे, तो उनका नाम था सुरेंद्र साय, जो कि संभलपुर के निवासी थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये सब मोटा तथ्य आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, यदि हम लोग सोना खान की बात करें तो सोना खान कलचुरी समय बिलासपुर शाखा के अंतर्गत आती थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, बिलासपुर शाखा के अंतर्गत यह आती थी, और यहाँ पर कलचुरी राजा जिसका नाम था बहार साय ने 1500 ईस्वी में वीर नारायण सिंह के पूर्वजों के सेना भावना को देखते हुए, उनसे खुश होते हुए, इन्होंने अर्थात बहार साय ने इनके पूर्वजों को एक जागीर दिया था, वह भी कर मुक्त जागीर प्रदान किया था, जिसका नाम था सोना खान जमींदारी या जागीर। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो भी जागीर प्रदान किया गया था वह क्या था, कर मुक्त था, अर्थात यहाँ पर जमींदार जो भी थे वहाँ पर, ठीक है, इनके पूर्वज, तो वे वहाँ पर कृषि कार्य जो भी काम करना होता था वह वहाँ पर संपन्न करते थे, और उनके बदले में, कृषि कार्य करने के बदले में, इनके पूर्वजों को किसी भी प्रकार के टैक्स, किसी भी प्रकार के भू राजस्व कर देना नहीं पड़ता था। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सोना खान के कुछ इतिहास के बारे में।
यदि हम लोग मराठा काल की बात करें, कलचुरी ये बात हमारा मराठा आते हैं, तो मराठा में भी यह व्यवस्था थी कि सोना खान जो है वह कर मुक्त ही बना रहेगा, ठीक है। परंतु जब कलचुरी के बाद मराठा आए तो इन दोनों काल में यह कर मुक्त भूमि ही हुआ करती थी। तो जैसे ही मराठा के पश्चात अंग्रेज आते हैं तो 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है। तो इस युद्ध के कारण जो सोना खान की जमींदारी था वह ब्रिटिशों के अधीन आ जाता है। किसके अधीन आता है? ब्रिटिशों के अधीन आता है। तो ब्रिटिशों के अधीन आने के कारण तत्कालीन सोना खान के जमींदार कौन थे? तो उस समय थे वीर नारायण सिंह के पिता। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, रामा राय जी ने, ठीक है। तो रामा राय ने जो क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने नियंत्रण में रख लिया था उसके कुछ क्षेत्र जो कि खालसा क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया युद्ध करने के साथ साथ, अर्थात विद्रोह करने के दौरान ही, ठीक है। तो यह बात ब्रिटिशों को पता चलता है कि रामा राय ने हमारे क्षेत्र को ही हड़प लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश जैसे सूचना प्राप्त होता है तब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार सोना खान के क्षेत्र में कैप्टन मार्कसन के नेतृत्व में कुछ सेना यहाँ पर भेजते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर रामा राय के सेना अर्थात उसके लोग और कैप्टन मार्कसन की सेना दोनों के मध्य युद्ध टाइप का स्थिति बना रहता है और होता है, और इसी कड़ी में रामा राय पराजित हो जाते हैं, ठीक है। तो रामा राय ने विद्रोह कब किया था? तो 1818 के जस्ट एक साल पश्चात, यह बात 1819 की है, ठीक है। इसी समय यह इन्होंने विद्रोह किया था। तो यहाँ पर पराजित होने के पश्चात यहाँ पर ब्रिटिश और रामा राय के मध्य कुछ वार्तालाप होती है, ठीक है। और बोला जाता है कि हम आपको सोना खान की जमींदारी दे तो देंगे, परंतु आप हमारे सामने संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में हम नागपुर के सरकार या फिर ब्रिटिशों के खिलाफ किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे। इस प्रकार की यहाँ पर अनुबंध किया जाता है। तो यहाँ पर रामा राय साहब जी जो होते हैं वे इस बात को मान लेते हैं, हाँ ठीक है, मैं अब कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य समझौता होता है और यह जो जमींदार था पुनः रामा राय के पास ही आ जाता है, ठीक है, ओके। अब रामा राय जो कि वीर नारायण सिंह के पापा थे, इनके मृत्यु के पश्चात 1830 में वीर नारायण सिंह क्या होते हैं? यहाँ के जमींदार बनते हैं, ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है, ठीक। अब बात क्या होती है कि 1856 की बात करते हैं। अब 1856 में दुर्भाग्यवश सोना खान के क्षेत्र में एक बहुत ही अकाल आता है। उस अकाल में बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, सूखा की स्थिति आ जाती है। सूखा की स्थिति होने के कारण कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाया था, अनाज की उपलब्धि भी नहीं मिल पाई थी, इसी कारण लाखों लोग भूखे मर गए थे, ठीक है। मतलब बहुत ही पीड़ित अवस्था में आप कह सकते हैं 1856 वाली बात, ठीक है। तो इसी सब घटना को देखते हुए वीर नारायण सिंह ने सोचा हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भूखे हैं, अकाल से ग्रस्त हैं। तो इसी को सोचते हुए उन्होंने कसडोल के एक व्यापारी के गोदाम में गए और वहाँ पर जो भी अनाज था उनको लाए और अकालग्रस्त पीड़ितों में बांट लिया गया। और उस कसडोल के व्यापारी का नाम था माखन लाल, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है कि माखन लाल के गोदाम से ही वीर नारायण सिंह ने अनाज को लूटा और अकालग्रस्त व्यक्तियों में उसको बांट दिया गया, ठीक है। अब यह बात जैसे ही पता चलता है माखन लाल जी को कि वीर नारायण सिंह ने मेरे गोदाम के अनाज को लूटा है,
तो यह बात माखनलाल जी डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास। ठीक है, अब डिप्टी कमिश्नर के पास जाने के बाद ये स्वीकार करते हैं कि बीर नारायण सिंह ने मेरे गोदाम में से अनाज को लूटा है, आप उस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, तो डीसी के पास यह जाते हैं। अब क्या होता है कि डीसी साहब के पास, अब डीसी साहब क्या निर्णय लेते हैं, तो जो भी डिसीजन लेते हैं वह किसके खिलाफ था, तो वह आपका ऑब्वियसली बीर नारायण सिंह के खिलाफ था। एक बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है, वह बात क्या है कि बीर नारायण सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी अर्थात डिप्टी कमिश्नर को पहले से ही आगाह कर लिया था कि मेरे क्षेत्र के लोग अकाल ग्रस्त हैं, बहुत ही पीड़ित हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, है ना, उनको बचाने के लिए मैं माखनलाल के गोदाम में लूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसकी जानकारी पहले ही इनको दे दिया गया था, डीसी को। ठीक है, परंतु यहाँ पर कसडोल के माखनलाल के शिकायत पर इन्होंने किसके खिलाफ कंप्लेंट किया, तो बीर नारायण सिंह के खिलाफ कंप्लेंट किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप अंग्रेज और बीर नारायण सिंह के मध्य दुश्मनी वाली कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि अंग्रेज आखिर में बीर नारायण सिंह के प्रति द्वेष की भावना क्यों रखा। ठीक है, तो इसके दो कारण थे। पहला जो कारण था वह था राजनीतिक चेतना का विकास, अर्थात बीर नारायण सिंह को राजनीति से समझ में आ रहा था। ठीक है, जो पॉलिटिकल जो भी विचार है उनका बहुत ही डेवलप हो रहा था, वे समझ रहे थे कि क्षेत्र में क्या क्या कंडीशन हो रही है, क्या क्या नियम यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं और लोगों की अधिकार क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इनकी सबकी समझ उनके अंदर विकसित हो रही थी। ठीक है, तो ये जो समझ विकसित जो हो रही थी वह बाद में कहीं विद्रोह का रूप ना ले पाए, है ना। तो यह सोचकर अंग्रेज किससे खपा थे, तो आपके बीर नारायण सिंह से खपा हुआ करते थे। ठीक है, दूसरे कारण की यदि हम लोग बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोना खान का जो जमींदारी था, जो क्षेत्र था, वह करमुक्त था, अर्थात इससे जो भी राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी वह राजस्व किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के पास नहीं जाती थी, जिससे कि अंग्रेजों को नुकसान हुआ करता था। ठीक है, तो इस कारण से भी अंग्रेज इस क्षेत्र से परेशान थे, इसके शासक से परेशान हुआ करते थे। ठीक है, तो यह हमारा कर मुक्त जागीरदारी देने के कारण भी परेशान थे। तो इन दो कारणों से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने अपना जो भी एक्शन किसके विरुद्ध लिया, तो आपके बीर नारायण सिंह के विरुद्ध लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि बीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए यहाँ पर सैनिकों को वो भेजा जाता है कि आप बीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए जाओ। ठीक है, उसके पश्चात बीर नारायण सिंह को अंग्रेज के सेना यहाँ पकड़ने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि 24 अक्टूबर 1856, ठीक है, यह डेट के दिन क्या होता है कि बीर नारायण सिंह उस समय संभलपुर में थे, तो वहाँ से पकड़ कर इनको रायपुर लाया जाता है और गिरफ्तार कर रायपुर के जेल में रख दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 1857 में जिस तरह से भारतीय विद्रोह हुआ था, ठीक है, जो मेरठ के कारण बहुत सारे क्षेत्र में हुआ करता था, तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा था। तो इसी के कारण यहाँ पर जो भी कैदी हुआ करते थे, है ना, रायपुर जेल में, तो इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान किया। तो जैसे इन्होंने प्लान किया तो बीर नारायण सिंह के साथ साथ इनके कुछ सहयोगी भी हुआ करते थे, तो उन्होंने इनकी सहायता की और 28 अगस्त 1857 को वे रायपुर जेल से भाग गए। इसको आपको ध्यान देना है। और रायपुर जेल से जैसे ही इन्होंने भागा तो कहाँ डायरेक्ट कहाँ पहुँचे, तो डायरेक्ट आपका सोना खान पहुँचते हैं। ठीक है, और सोना खान जाकर वहाँ कुछ सेना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि बीर नारायण सिंह रायपुर जेल से भाग गए हैं, तो वे उनको पकड़ने के लिए एक कैप्टन स्मिथ
या फिर आप कह सकते हैं इसके साथ साथ नेपियर साहब भी थे, इन्हीं के नेतृत्व में कुछ सेना को भेजा गया कहाँ पर, सोना खान में। ठीक है, अब क्या हुआ इसके पश्चात कैप्टन स्मिथ को सोना खान जाने का रास्ता पता नहीं था। ठीक है, तो उनके सहायता किसने किया, तो उनके सहायता बीर नारायण सिंह के चाचा महाराज साय ने किया, जो कि देवरी के जमींदार थे। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँच गए, सोना खान पहुँच गए अंग्रेज आपके। अब अंग्रेजों ने जैसे सोना खान पर कदम रखा तो बीर नारायण की सेना ने वहाँ पर उनके सामने आक्रमण किया। जैसे ही उन पर आक्रमण किया तो एक कंडीशन ऐसे भी आ गई थी कि अंग्रेज वहाँ पर परास्त होने की कंडीशन वहाँ पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, परंतु अंग्रेजों को, यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि लिख सकूँ, तो यहाँ पर अंग्रेजों को कुछ जमींदार का सहयोग भी प्राप्त हुआ। उसका नाम क्या क्या था, तो जैसे कि भड़गांव, बिलाईगढ़ और एक था देवरी। इन तीनों जमींदार का साथ आपके ब्रिटिशों को मिला, और जैसे ही इनका साथ ब्रिटिशों को मिला तब क्या होता है कि ब्रिटेन्स और यह इनके कुछ व्यक्तियों ने बीर नारायण सिंह के साथ हमला करते हैं। उनके साथ कुछ समय तक युद्ध होता है और युद्ध होने के पश्चात बीर नारायण सिंह यहाँ पर परास्त हो जाते हैं और इनको कैद कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही स्मिथ इनको कैद करते हैं तो स्मिथ जिला के डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं कि आप बीर नारायण सिंह को किसी भी प्रकार के माफ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही देशद्रोही है। ठीक है, जिसको आप सजा अवश्य देवें। तो यहाँ पर स्मिथ जी का बात मान लिया जाता है और जिला के प्रमुख अधिकारी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, बीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर जिले में फांसी की सजा दे दिया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो जय स्तंभ चौक कहलाता है रायपुर का, ठीक है, वहीं इनको फांसी की सजा दे दिया जाता है। और इस तरह से बीर नारायण सिंह शहीद हो जाते हैं और बीर नारायण सिंह को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था बीर नारायण सिंह के बारे में संक्षिप्त जानकारी और इनके बारे में घटित घटना, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी IMP है। ठीक है, हम लोग अब इसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में बीर नारायण सिंह के शहीद होने के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस समय जब बीर नारायण सिंह ने माखनलाल व्यापारी के यहाँ गोदाम को लूटा था तो उससे कुछ नुकसान भी हुआ था, तो अंग्रेजों ने इसकी भरपाई किया। ठीक है, और बीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों का जिसने भी साथ दिया, जैसे कि इनके चाचा कौन थे, आपके देवरी के जमींदार महाराज साहेब थे। ठीक है, तो महाराज साहेब को सोना खान की जमींदारी उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि उपहार स्वरूप दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको कि जैसे ही बीर नारायण सिंह शहीद होते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात, ठीक है, उनका बेटा का नाम था गोविंद सिंह को भी कैद कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्हें नागपुर जेल भेज दिया जाता है और 1860 में इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये रिहा होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, तो ये आपके डायरेक्टर सोना खान जाते हैं। ठीक है, और सोना खान जैसे ही जाते हैं तो वे देखते हैं कि सोना खान की जो जमींदार है वह देवरी के महाराज साय बन जाते हैं, जो कि जमींदार थे उनको दे दिया जाता है। तो गोविंद सिंह को इसके प्रति आक्रोश की भावना देखने को मिलेगी, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की भावना देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया,
कि बिंद राशि 28 अगस्त 1856 को रायपुर जेल से रिहा हुए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बिंद राशि के समकालीन सुरेंद्र साय भी हुआ करते थे, ये मैंने आपको बताया। तो सुरेंद्र साय हजारीबाग में ये कैद थे, ठीक है। तो बिंद राशि साय के दौरान ही सुरेंद्र साय भी हजारीबाग से भाग निकले। ये सुरेंद्र साय यहीं कैद थे और यहीं से ये भाग निकले और डायरेक्टर कहाँ गए, तो ये डायरेक्टर रायपुर गए, ठीक है। अब रायपुर गए यहाँ पर, तो इनका मुलाकात गोविंद सिंह से हुआ। और गोविंद सिंह क्या थे, ये पहले से ही महाराज साय से नफरत करते थे और अंग्रेजों के प्रति भी विद्रोह की भावना उनके मन में व्याप्त थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि गोविंद सिंह और सुरेंद्र साय ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध ये बिगुल बजाते हैं, अर्थात विद्रोह की बिगुल बजाते हैं और ये विद्रोह करने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सोना खान जाते हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर देवरी के महाराज साय का इनके गला को काट कर इनकी हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस सब घटना देखा जाता है, तो अंतिम में सुरेंद्र साय को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा और इनको असीरगढ़ के किले में कैद कर लिया जाता है। और यही इनकी मृत्यु 90 वर्ष की उम्र में 1884 में हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि गोविंद सिंह इनके बिना अकेले हो जाते हैं, ठीक है। अब गोविंद सिंह भी मान लेते हैं कि अंग्रेज आप ही मेरे माई बाप हो, है ना, मैं आपके साथ समझौता करना चाहता हूँ, आप मेरी बात माने, ठीक है। तो गोविंद सिंह क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर जमींदारी क्षेत्र को ये खुद संभालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बिंद राशि सिंह के बारे में बताया, है ना, क्या क्या कंडीशन वहाँ पर मौजूद थे, क्या क्या उनके सामने घटनाएं हुई, उनके पश्चात क्या क्या कंडीशन उभर के आए, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया, है ना। हमने ये भी जाना कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जो शहीद हैं वह बिंद राशि सिंह जी को कहा जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ अन्य विद्रोह के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग सूचना प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।